सूखे फूल हैं हाथों में, प्यार का मौसम चाहा था, उसने जख्म दिए हमको जिससे मरहम चाहा था। मेरा नाम अली है इसका नाम अली है एंड मैं इसका चड्डी बड्डी कह सकते हैं, बस ऐसे ही। ऐसे ही है। तो कहानी जो है, जो आपने थंबनेल या जो टाइटल देख लिया होगा, कहानी शुरू होती है अली 2016 जब यूनिवर्सिटी में था मैं। हाँ पढ़ा हूँ। तो यूनिवर्सिटी बाय द वे ही इज गुड नहीं नहीं एट नहीं बताते, नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते भाई ही इज कुछ। गुड एट मैथ्स। इसने अच्छा बी एस मैथ किया हुआ है। अच्छा आपने वो वीडियो देखी है उसका, मे बी बीच में लिंक भी दें, मनी हाइस्ट का रिव्यू, तो उसमें बार बार जिक्र किया गया कि इसने बी एस मैथ किया हुआ है और मैथ तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो 2016 में कहानी स्टार्ट होती है जबकि मैं हॉस्टल में था और वहाँ पे वाईफाई फ्री था, तो मेरे पास भी मोबाइल मेरे था पास नहीं था, मेरे पास बटन वाला था। वाईफाई वाला नहीं था, बटन वाला था। हाँ ठीक है। चले तो यूट्यूब पे स्क्रॉलिंग करते थे आगे पीछे वीडियो सॉन्ग्स। तो तब तब तो ऑसमो स्पीकिंग, अगर आपको पता हो तो खुजली फैमिली के नाम से चैनल है, बहुत कमाल की वीडियोस हैं वो देखते होते थे। फिर एक बार वो यूनिवर्सिटी आए, उनके साथ मिले, सेल्फी ली, उनकी मेहरबानी है, उन लोगों ने सेल्फी बनाई। तो तब वो 2016 की बात है, तब ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं चैनल बनाऊंगा या उस पे वीडियो दूंगा या अपना बूथा आपको बार बार दिखाऊंगा या आपको कहूंगा कि यार मेरी वीडियो देख लो। और मुझे भी ज़बरदस्ती मजबूर करेगा अपनी शक्ल दिखाओ वीडियो में। नहीं खैर, शक्ल तो प्यारी है भाई की। अच्छा तो बात क्या है कि बात ये है कि ये चैनल जो है, जो मैं कहता हूँ कि मेरा चैनल है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये चैनल मुझे इन्होंने बना के दिया था 2019 में, एक साल पहले। और अब आप लोगों की मेहरबानी है कि आप वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। अगर नहीं किया तो आप कर लेंगे, मुझे पता है। फर्स्टली तो मैं ये कहूँगा कि चैनल बना के देना इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए जस्ट वो एक नॉर्मल चीज़ थी। एंड ये थैंक यू कह रहा है तो इसमें ये मुझे शर्मिंदा कह रहा है, बिकॉज जैसे अगर आपको कोई फेसबुक का अकाउंट बना के देता तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये भी वैसे ही था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंड स्टार्ट जब किया था मुझे नहीं लगा था कि ये कुछ भी जो सब्सक्राइबर्स वगैरह या ऐसा कुछ कलेक्ट कर पाएगा, मुझे लगा था ये अभी हॉबी वगैरह, ये जस्ट अपना टाइम जो है स्पेंड करने के लिए ये सब करा है। लेकिन अब तकरीबन एक साल हो चुका है और मैं देख के मुझे खुशी होती है कि राउंड अबाउट 3000 के पास राउंड अबाउट हो चुके हैं सब्सक्राइबर, हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो तो जाएंगे। काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि बात यहाँ तक पहुँच गया। वरना मैं इसके से मुझे लगता है कि एक साल जब गुजरेगा तो एक साल बाद हम लोग बैठे होंगे या फ़ोन पे बात करेंगे, भाईजान 100 से ज़्यादा मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है, और वो भी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। या वो जो हैं, वो सब्सक्राइबर जो हैं, उनके मोबाइल को मैं खुद ही उठा के काल के बहाने अपनी वीडियोस देखता हूँ। खैर ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग देखते हैं। हाँ अब ऐसा हो नहीं सकता कि 2-3 हज़ार लोगों का फोन उठा के ये देखे, पता नहीं बात कहाँ कहाँ पहुँचे, आधा रह जाएगा किस किस के लिए। तो इस वीडियो का जो मकसद था वो इस भाई से आपका इंट्रोडक्शन था। ये भाई बहुत ही अच्छे तो नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में अच्छे हैं, ये कमरा। नहीं ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि मैंने हर चीज़ का थोड़ा बहुत पंगा लिया हुआ है। तो मैं इसे कह रहा था, मैं इसे कहता रहता हूँ बल्कि अभी कि ये चैनल बनाए और इंशाल्लाह ये बनाएगा, बहुत जल्द बनाएगा, और आप लोगों की मोहब्बत चाहिए होगी उसमें ज़रूर। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि चैनल बना लेना बहुत ही ईजी है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो होता है उसके ऊपर वर्क करना। मुझे जो सबसे अच्छी बात सनम की लगी, इसने अपने चैनल पर जितना भी वर्क किया वो कंटेंट जो है वो एक जेन्युइन कंटेंट है। आजकल की तरह नहीं है कि रोस्टिंग कर रहा है या रिव्यू कर रहा है, बिल्कुल हट कर रहा है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाय द टाइम ये चैनल बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा। और इंशाल्लाह मैं भी इस चीज़ पर एग्री करता हूँ कि मुझे चैनल बनाना चाहिए, लेकिन मैं
जो एक बेटर एक कंटेंट होता है जो सबसे अलग हो, मैं वो चीज़ ढूंढने में लगा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। तो पहले वाली वीडियोस आप देखते होंगे वो पोएट्री पे था, मतलब हम क्या करते थे कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनमें ये भी है, इन्होंने भी मेरी बहुत अच्छा अच्छा बस 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 नहीं बार बार मेरा जिक्र करा तो मैंने कहा ज़रा चौड़ा के बैठ। तो ये जो बंदा है इसने भी काफ़ी मेरी बेवजन गज़लें उन पे वॉइस ओवर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे भाई मुझे सपोर्ट करते हैं। और एक और बंदा है ग़ुलाम जैलानी, वो मेरा क्लास फेलो है और इनका बिजनेस पार्टनर है। तो उस बंदे से भी इंशाल्लाह सून अगर मेरा चक्कर लगा, ये जो लॉकडाउन है ये कोरोना जो है कोरोना ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह सून। और एक और बात, आजकल जो अक्सर बंदे मतलब ना अक्सर ये सियासत को लेके या कहते होते हैं कि यार ये कोरोना नहीं है, तो ऐसी वाकई यकीन करें ये सब गलत कहते हैं, कोरोना है और आपको भी जल्द पता लग जाएगा, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। अल्लाह ना करे आपको पता लगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यूट्यूब या फेसबुक या हर जगह बहुत सारी वीडियोस डॉक्टर्स वगैरह या बहुत सारे लोग रिलीज़ करें, तो काइंडली उस पर बिल्कुल काम ना करें, बहुत ज़्यादा झूठ है। जस्ट आप ये बेसिक चीज़ों से बेसिक जो एहतियात होते हैं जो हम नहीं करते उनसे फैलता है, तो आप वो एहतियात करें, आपको कुछ भी नहीं होगा। बाहर जाएँ, मास्क पहन के जाएँ, वापस आएँ, हाथ मुँह धोएँ, बस आपको कुछ भी नहीं होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ना करे सामना हो लोगों को इससे। तो इजाज़त चाहेंगे, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है और मैं बार बार जो है अपनी गायब रूप पर को कर रहा हूँ या फिर वीडियो में बहुत बार यही कहा। तो अभी शायद कुछ भी बातें ना हुई हों, मतलब हमारी बिल्कुल ही कुछ भी बातें ना हुई, लेकिन इस भाई का, इन भाई का, इन साहब का मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो अकाउंट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाइएगा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो करें। और ये बहुत अच्छे भाई हैं, बाकी अच्छे हैं। तो ठीक है इंशाल्लाह, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी मैट्रिमोनियल साइट पे आकर बैठा हूँ और वीडियो कॉल हो रही है और ये लड़की वालों को बता रहा है भाई बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, सिगरेट भी नहीं पीता और 25,000 रुपये मंथली कमाता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ज़्यादा हो गए थोड़े, चले ज़्यादा नहीं हो गए, हाँ ज़्यादा हो गए। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा बड़ा शुक्रिया कह रहा हूँ कि आपने ये वीडियो देखी, पता नहीं मुकम्मल देखी होगी कि नहीं देखी होगी, आपने अपना टाइम दिया हम दोनों की बकबक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़।